कोरिया जिले में अवैध रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। वे अब कुछ भी कर गुजरने पर आमादा हो चुके हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण कोरिया जिले में ग्राम नगर में का है, जहां पर वन विभाग के जांच नाके के बैरियर अब टूटे हालात में पड़े मिले हैं। उस बैरियर को तोड़ते हुए चले जाना, साथ ही गंदी गालियां देना, यह बताता है कि अब उन अवैध रेत माफियाओं को किसी भी तरह का खौफ नहीं है, न कानून का, न प्रशासन का, न सरकार का। हालांकि वन विभाग के नगर वेरियर के बीट प्रभारी छत्रपाल ने ड्राइवर वाहन मालिक का ब्यौरा देते हुए नामजद शिकायत चर्चा थाने में की है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अवैध रेत का परिवहन का ट्रक जो है कर्रा से आ रहा था, जिसे हमारे स्टाफ लोग नगर बैरियर में उसको रोक के जब्ती की कार्रवाई के लिए रोक रहे थे। जैसे स्टाफ को देखा और गाड़ी जो है न रोक के वो स्पीड से गाड़ी बढ़ाया, जिससे हमारा बैरियर भी टूट गया और तीन चार लोग दबते दबते बचे उससे गाड़ी से, नहीं तो बहुत बड़ा दुर्घटना होता उसमें। और उसी को लेके फिर ये थाने में जो है FIR दर्ज हमारे स्टाफ कराया।